वेलकम फ्रेंड टू आवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। ICA के लेक्चर में आज हम देखने जा रहे हैं क्रिस्टल ऑक्सीलरेटर। ठीक है, ओके। तो इसकी हिस्ट्री देखते हैं पहले क्या है। इट इज़ इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर एम इन 1918। ओके, ठीक है। दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर, ये कॉमन सी बात है, विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस ऑक्सीलेशन बाय द हेल्प ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, ये एक इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीलेटर है जिसमें क्या होगी कि ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है, ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होगी, कैसे यूज प्रोड्यूस होगी, ये हम एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे वर्क करता है। ठीक है, दिस ऑक्सीलेटर वर्क ऑन इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने अभी आपको बताया कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज करता है, बट जो इसकी वर्किंग है ये इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे वर्क करता है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल जो है इसकी इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ये वर्क करता है। ठीक है, इन क्रिस्टल ऑक्सीलेटर ए क्रिस्टल इज यूज डेट इज नथिंग बट ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ RLC एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ माउंटिंग कैपेसिटेंस। ठीक है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में हम क्या यूज करते हैं, टैंक के जगह टैंक सर्किट हम यूज कर रहे थे। बाकी सारे ऑक्सीलेटर में, कॉलपिट और क्लैप ऑक्सीलेटर में, हम लोग टैंक ऑक्सीलेटर यूज कर रहे थे, टैंक सर्किट यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे टैंक सर्किट हमारा क्या काम करेगा, आपका एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में क्या काम करेगा, आपका एक पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस काम करेगा। ठीक है, ये पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या है, एक RLC का कॉम्बिनेशन है जो कि सीरीज में रहेंगे। ठीक है, R मीन्स रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जो कि सीरीज में कनेक्टेड होंगे, और एक माउंटिंग कैपेसिटर होगा जो कि ये पैरेलल में होगा। ठीक है, ये सीरीज में और एक कैपेसिटर जो होगा वो कहाँ होगा, पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो आइए हम समझते हैं कि क्या होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि देखिए, जैसे यहाँ पे हम बताता हूँ आपको कि ये एक प्लेट है दोनों साइड। ठीक है, और बीच में एक क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल कौन से हम यूज करेंगे, क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि जब भी इसकी मैकेनिज्म क्या होती है कि जब भी हम इस पे कोई मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके प्लेट पे मैकेनिकल प्रेशर हम अप्लाई किए हैं चारों तरफ से। ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किए, तो क्या होता है कि जैसे ही मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये अपने अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देता है। ठीक है, ये अपने अक्रॉस क्या करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है आउटपुट में। ठीक है, ये होती है सिंपल पीजो इलेक्ट्रिक। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक में हम लोग क्वार्ट्ज क्रिस्टल ही क्यों यूज कर रहे हैं, ये जो इनसाइड में जो सैंडविच है क्रिस्टल, वो क्वार्ट्ज क्यों यूज कर रहे हैं, तो उसकी कुछ खासियत होती है, मैं आपको बताता हूँ कि जो क्या होती है, ऑक्सीलेटर हाईली स्टेबल, इसकी जो भी ऑक्सीलेशन निकलेगी वो बहुत ही स्टेबल होगी। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। दूसरी खासियत क्या है इसकी, गुड क्वालिटी फैक्टर, जो क्वालिटी फैक्टर होता है क्यू, वो उसकी बहुत अच्छी होती है। ये जो क्वार्ट्ज इसलिए और स्पेशल है क्योंकि ये स्मॉल साइज की होती है। ठीक है, इसकी साइज क्या है, बहुत स्मॉल है, और ये चीप मीन्स इजी रेट में हमें मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, इसलिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं बताया आपको कि ये जो अपने क्रिस्टल ऑक्सीलेटर है, ये इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मैं ये आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताया कि हम लोग मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पोटेंशियल डेवलप कर लेगा, तो सेम इसकी इन्वर्स क्या होगी कि हम इसके अक्रॉस कोई भी अगर पोटेंशियल देंगे, मीन्स पावर इस पे देंगे, क्या होगा, वोल्टेज अगर अप्लाई करते हैं इसके प्लेट पे, तो ये क्या करेगी, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यहाँ से एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस जो होगी ये हमें क्या करेगा, एक ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, ये ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करके देगा, पर ये जो ऑक्सीलेशन हमारे प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, वो एक कॉन्स्टेंट ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ये क्या होगा, ये डैम्प तरह के मिलेंगे जो आगे जाके रिग्रेट हो जाएंगे और खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हुई इन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये आपको कि फ्रेंड इसकी सर्किट डायग्राम क्या होती है पीजो इलेक्ट्रिक की। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको जैसे बताया था कि RLC जो है अपनी वो कैसे कनेक्ट होगी, RLC जो अपनी कनेक्ट होगी सीरीज में होगी। देखिए, ये RL और C जो है अपनी सीरीज में कनेक्ट है, उसके साथ माउंटिंग कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, और यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा, ये हमें आउटपुट देगा, वी आउट यहाँ से हमें निकलेगा। तो ये कुछ नहीं बट एक क्या है, LC टैंक है, एक LC टैंक मीन्स क्या है कि अपनी इंडक्टर कैपेसिटर की एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है,
आइए हम इसकी वर्किंग पे चलते हैं, किस तरह से क्रिस्टल ऑक्सीलेटर काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं, ये रही इसकी डायग्राम। यहाँ ये आरएफसी हुई, इसको क्या बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल कहा जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि डीसी को पास करता है और एसी को ब्लॉक करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे है R1, R2 और RE। ये क्या है, आपकी बाइसिंग रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये बाइसिंग रेजिस्टेंस क्या करता है, ये जो अपने ट्रांजिस्टर है Q, इसको क्या करता है, एक्टिव रीजन में रखने के लिए यूज करता है, R1, R2 और RE। ठीक है, यहाँ C है, C क्या है, बाईपास कैपेसिटर है, बाईपास कैपेसिटर। ठीक है, बाईपास कैपेसिटर ये क्या करता है कि डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को पास करता है। ठीक है, ये जो ट्रांजिस्टर क्यू है, इसके हम सीरीज में क्या लगाए हैं, क्रिस्टल, आपका क्रिस्टल लगाए हैं। ठीक है, वही सेम पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यहाँ पे हम लगाए हैं, और यहाँ पे सीसी क्या है, कपलिंग कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये सीरीज में लगाए हैं। तो देखिए इसकी वर्किंग मैं बताता हूँ आपको, कि जैसे ही वीसीसी से हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आरएफसी से आएगी उसकी सिग्नल और होते हुए क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के पास पहुंचेगी। मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्रिस्टल ऑक्सीलेटर काम करता है। ठीक है, और वो क्या करेगा, एक साइनोसोइडल वेव प्रोड्यूस करेगा। जो साइनोसोइडल वेव प्रोड्यूस करेगा, ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट देगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या किया, यहाँ से आया सिग्नल और ये क्या किया, हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ही प्रोवाइड किया। ठीक है, अब इसी को, ये जो सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, इसको हम फीडबैक की तरह, ये फीडबैक की तरह, ठीक है, ट्रांजिस्टर के बेस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये क्या करेगा, ट्रांजिस्टर इस सिग्नल को, 180 डिग्री वाले सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। ठीक है, ये एम्पलीफाई करेगा और क्या करेगा, इसको 360 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ आउटपुट में यहाँ प्रोड्यूस कर देगा, वी आउट में हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तब जो हमारा सिग्नल मिलेगा यहाँ पे, ये कॉन्स्टेंट साइनोसोइडल वेव मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट साइनोसोइडल वेव मिलेगा, ये वी और टी का ग्राफ बनाया है मैंने। ठीक है, तो जो अपने आउटपुट मिलेगा कॉन्स्टेंट मिलेगा। ठीक है, इसी का मैंने कुछ लाइन में डिस्क्राइब कर दिया है वर्किंग को, क्या है कि व्हेन वीसीसी इज सप्लाइड देन आरएफसी विल पास डीसी एंड ब्लॉक एसी कंपोनेंट। सेम यहाँ मैंने आपको बताया, द क्रिस्टल ऑक्सीलेटर वर्क एज एन एलसी टैंक सर्किट विच जनरेट एन ऑक्सीलेशन वेव फॉर्म एट 180 डिग्री फेज। मैं बताया कि ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट देगा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। ठीक है, फिर क्या है, तो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ट्रांजिस्टर क्यू, ट्रांजिस्टर जो अपना क्यू है उसके साथ कनेक्ट होगा सीरीज में, सो इट प्रोवाइड फीडबैक एट बेस ऑफ क्यू। ठीक है, तो क्या करेगा कि फीडबैक जो सीरीज में कनेक्टेड है, क्या करेगा, बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर को फीडबैक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और फीडबैक प्रोवाइड करने के बाद क्या करेगा, ये कि सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। ओके, ये सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, और आउटपुट में हमें क्या देगा, 360 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा। ठीक है, ये तो इसकी वर्किंग फ्रेंड। आइए हम इसके देखते हैं यूजेस क्या है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की। तो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जितने भी कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सब जगह यूज होते हैं, इसकी वाइड रेंज यूजेस है। ठीक है, पहले देखते हैं हम लोग डिजिटल क्लॉक जो होती है उसमें यूज होती है, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग में भी यूज होती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में भी यूज होती है आपकी लोकेशन जानने के लिए। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, वीडियो कैमरा, सेलफोन और रेडियो कम्युनिकेशन में भी यूज होता है, टेली कम्युनिकेशन में। ठीक है, जैसे सेलफोन में यूज होता है, और स्पेस ट्रैकिंग में भी यूज होता है ये। ओके फ्रेंड्स, अब इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के क्या फॉर्मूला है, एफ एस। देखिए फ्रेंड, व्हेन द सीरीज कैपेसिटेंस सी एस, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये सी एस जो है सीरीज में जो कनेक्टेड है। ठीक है, रेजोनेंट विथ सीरीज इंडक्टेंस एल एस, ये क्या है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, ये क्या करेंगे, एट दिस स्टेज द क्रिस्टल इंपेडेंस विल बी लीस्ट। इसके जो सीरीज में कनेक्ट है, इसके कारण क्या होगा, जो क्रिस्टल इंपेडेंस है वो बहुत कम होगा, और इसके कारण क्या होगा, ये तो हमारे लिए बेनिफिट हो गया, जिसके कारण क्या होगा, जो फीडबैक जो होगा वो लार्जेस्ट होगा। ठीक है, फीडबैक ये पोजिशन पे लार्ज होगा, तो हमारा फाइनली रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का क्या फॉर्मूला आता है, 1/2 पाई एल एस और सी एस। एल एस में जो अब सीरीज में जो लगाए थे इंडक्टर, और ये सी एस क्या है, सीरीज वाले कैपेसिटर। ठीक है, तो ये होगी इसके रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की फॉर्मूला। डेट्स ऑल अबाउट द क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। थैंक
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.